उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे, मर दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पॉलिटिकल पावर इन पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, अबे शेख मिश्रा। तो देखते हैं वीडियो, आर्दू कादमी की वीडियो भाई साहब, काफी चीजें जो है डिस्कस की जाएंगी, इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है, देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक कि आज आ पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजू जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू बी विद यू। थैंक यू सो मच। और आज हम आपसे सर बात करना चाहेंगे थोड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कि जैसे हम अक्सर देखते हैं कि अभी जापान में जब आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं, इस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कुछ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल ही उनसे एक अलग से बात करते हैं और उनका ये कहना है कि नहीं, जब तक टेररिज्म के ऊपर फुली कंट्रोल नहीं करते तो हम बात नहीं करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता है कि जी हम ट्रेड करना चाहते हैं मगर उसके साथ ही साथ 370 का इशू भी उठा देते हैं। आपके ख्याल से ये दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस क्या करना चाह रहे हैं, क्या वाकई में बात करना चाहते हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर आप दोनों तरफ देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत? देखिए, जो आज की इंडियन गवर्नमेंट है मोदी जी की, ये रूटेड है इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में। तो इनकी फिलॉसफी को ड्राइव करने वाला या फॉरेन वॉर पॉलिसी हो चाहे इंटरनल डेमोक्रेटिक जो इनके गवर्नमेंटल प्रिंसिपल है वो सारे, वो हमारे ट्रेडिशनल रूल है या ट्रेडिशनल विजडम है, उससे वो लेके चल रहे हैं। अब आप अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कहता है हमसे ट्रेड करें मगर उसके पहले कुछ प्री कंडीशन है कि कश्मीर को सॉल्व करें और ये सॉल्व करें। अब कश्मीर का सोल्यूशन है क्या, कश्मीर की समस्या क्या है? कश्मीर की समस्या यह है कि इंडिपेंडेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत में ब्रिटिश इंडिया के दो टुकड़े किए गए, एक का नाम डोमिनियन ऑफ इंडिया पड़ा, एक का नाम डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बना। बाकी टू नेशन थ्योरी के आधार पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स को यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो इंडिया के साथ चले जाए चाहे तो पाकिस्तान के साथ चले जाए। हम ये सब चीजें मानते हैं कि हाँ भाई ये हुआ, और चूंकि हमारे परिवार के ही लोग थे, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, बिकॉज हमारे कल को मैं मुसलमान बन जाऊं तो इससे मेरा परिवार तो नहीं टूट जाएगा ना, तो हमने डिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो टू नेशन थ्योरी थी, क्या वो 1947 के साथ खत्म नहीं हो गई? क्या आप चाहते हैं कि टू नेशन थ्योरी अभी भी आगे रहे? और टू नेशन थ्योरी अगर आप ये कंडीशन लगाते हो कि कश्मीर को सॉल्व करो क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा है, तो भाई 1947 के बाद से भारत के कई हिस्सों में, कई जिले में मुस्लिम आबादी ज्यादा हो चुकी है। तो कल को आप ये कहोगे, अगर हम ये वाली बात मानने लगे कि जहां जहां हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी ज्यादा हो तो वहां पे आप उसको अलग कीजिए, उनके अंदर ये फीलिंग होगी कि भाई यहाँ पे टूट रहा है तो हम भी ले लें। इंडिया वो चीज नहीं कर सकता, 1947 जिंदगी में एक बार होने वाली घटना थी, अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि हमारे ही परिवार वालों ने माना कि हमें अलग घर दे दो, हमने दे दिया उनको अलग घर कि ठीक है भाई आप खुश रहे जैसे आपको रहना है। लेकिन अब नहीं होगा, अब ट्रेड आप करना चाहते हो क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी हो। अगर आज पाकिस्तान आरजू जी स्ट्रांग हो जाए, मान लीजिए भारत पाकिस्तान हो जाए और पाकिस्तान भारत हो जाए, यानी कि भारत की आर्थिक दशा वो हो जो आज पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की आर्थिक दशा वो हो जो कि आज हिंदुस्तान की, पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान एक मिनट नहीं लगाएगा हिंदुस्तान को रन ओवर करने, क्योंकि इनके लिए, इनके मन में कोई सिंपैथी हिंदुस्तान के लिए नहीं है। ये हिंदुस्तान के ट्रेडिशन को, हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान के हिस्ट्री को एक पैसे की वैल्यू नहीं देते। हमारी तो लड़ाई यही है कि हम अपने अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते। तो यही बात की जो जो वो कहते हैं एस जयशंकर साहब, उनका फॉरेन पॉलिसी का क्या पर्पज है? उनकी फॉरेन पॉलिसी का पर्पज है इंडिया को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना,
इंडिया को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का मतलब सिर्फ इंडियन ट्रेड और इकोनॉमी नहीं है, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन प्लुरालिटी, इंडियन फ्री सोसाइटी। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ लड़कियों को कोई ये कहे कि तुम स्कूल मत जाओ, हमारे यहाँ हम नहीं चाहते लड़कियां रात को 5 बजते ही सूरज डूबते अंदर आ जाए, हम चाहते हैं हमारी लड़कियां शाम के 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को जहां जाना है, हाफ पैंट में जाना है तो हाफ पैंट में जाए, जैसे जाना है वो जाए, उनको फ्री सोसाइटी हो, हम उस सोसाइटी के वहां के। और एस जयशंकर साहब का ये काम है कि हमारी इस लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करें दुनिया में जाके। पाकिस्तान से दोस्ती करके आप ये लाइफस्टाइल तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान आपकी इस लाइफस्टाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुला पड़ा है, क्योंकि वो इस लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट अपने यहां नहीं देखना चाहते। तो इसलिए मेरे ख्याल से मेरा भी यही है, अगर मैं भी एस जयशंकर जी की जगह होता तो मैं तो पाकिस्तान से नहीं ये रहता भाई कि आपकी आज जरूरत है, आप करो ट्रेड खोल दो, कल आप ताकतवर हो जाओगे, आप कहोगे ट्रेड बंद करो क्योंकि पहले कश्मीर सॉल्व करो। आप अगर हमारी जगह होते तो आप तो हमारा गलत आबादी होते कि कश्मीर छोड़ो फिर हम तुमको कुछ पैसे वैसे देंगे फिर देखना क्या होता है। तो ये नहीं है ना कि आपकी जरूरत है तो हम करें, हमें तो अपनी लंबी लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करना है, हजारों लाखों साल की इतिहास है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है। तो मेरे ख्याल से यही है कि पाकिस्तान थोड़ा और सबक सीख ले, देख ले कि चाहते क्या है वो अपने साथ। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो सर जो आप कह रहे थे कि अगर आप मुसलमान हो जाएं तो सर रहने दें, इसलिए कि पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा मुसलमान है दुनिया में। और मेरा ख्याल है कि जो वर्ल्ड है उसकी ब्यूटी है ये कि हर रिलीजन के लोग उसमें हों और अपने हिसाब से बिल्कुल अपने कल्चर को लेकर चलें। और बिल्कुल सर हम इस बात से भी मत डरिए कि पाकिस्तान का भी बहुत ताकतवर हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ वो गज़वा हिंद या कुछ करने लग जाएंगे, क्योंकि वो जो हमारी हरकत है मुझे लगता नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है सर कि अगर इस वक्त थोड़ा सा हम टेम्परेचर को डाउन करें और ये सोचें, मच्योर तरीके से सोचें, जंगे भी कर ली, लड़ भी लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ट्रेड ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, भारत की नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपस में बात करके ट्रेड हो या कोई इशू हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, या आपको लगता है नहीं कोई सऊदी अरब या अमेरिका कोई इनमें से कोई कंट्री जो है वो इंस्ट्रक्शंस देगा पाकिस्तान को या भारत को तब कुछ हो पाएगा? नहीं नहीं आपने नहीं, आप समझिए ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स की चीज ही नहीं है, किसी पॉलिटिकल लीडर के पास ये पावर ही नहीं है आपके, ना मिलिट्री ना पॉलिटिकल। समाज आपने ऐसा बनाया हुआ है कि आप भारत के साथ दोस्ती करने जाएंगे समाज आपको खा जाएगा। आपको अब यूरोप के रास्ते पे जाना होगा, आपको पहले तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ठीक करना होगा। आपके आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पावर की जगह इतने ज्यादा पावर सेंटर क्रिएट किए गए हैं कि वो पॉलिटिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी को पूरा पावर नहीं देता। तो अमेरिका के मीडिएशन करने से, चाइना के मीडिएशन करने से क्या हो जाएगा, आप वो सेल आउट कर पाएंगे? ये तो 1971 में डिसाइड हो गया था कि जब हमने 93,000 सोल्जर्स को वापस करा, उसी समय मिसेस गांधी को कह देना चाहिए था कि भाई कश्मीर भूल जाओ, ये सोल्जर उसके बदले में लेके जाओ, वह मामला खत्म हुआ। लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, हम क्या मुंह दिखाएंगे, आप भी डेमोक्रेटिक लीडर हैं, हम भी डेमोक्रेटिक लीडर हैं, प्लीज हमें कुछ मौका दीजिए, हम अपने लोगों का जहन बनवाएंगे। वो जहन नहीं बनाया उन्होंने, वो अपनी किताबों में अपने अपने आप से नफरत करने वाली जो चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। और आप तो बहुत आरजू जी, आपको तो मेरा हैट्स ऑफ है कि आप इतनी धड़ल्ले से ये बात कह लेती हैं। मैं और यूट्यूबर के उसमें गया हूँ पाकिस्तान के, वो नमस्ते नहीं बोल पाते, और मेरे कुछ ने ऑफलाइन बताया कि उनके परिवार वालों का है कि नमस्ते मत बोलो। ये माइंडसेट है, इस माइंडसेट के साथ क्या दोस्ती की जाए बताइए। वो आपसे वो देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान की दिक्कत ये है कि उसको इस्लाम का ही नहीं पता है, लेकिन उसको हिंदुइज्म को अपोज करना, वो हर चीज भारतीयों को अपोज करने को वो समझता है ये मेरा रिलीजियस प्रैक्टिस है। आप देखिए दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो कह रहा है गाय खाने को हमारा राइट है, लेकिन मैंने पाकिस्तान के यूट्यूब पे सुना हुआ है कई लोग कह रहे हैं वहां पे हिंदुस्तान मुसलमानों को गाय नहीं खाने देना चाहते। अरे भाई गाय खाने से इस्लाम का क्या लेना देना है यार, ये पहली बार मैं ये बात सुन रहा हूँ। तो पॉइंट ये है ना कि आपके साथ दोस्ती करने का तरीका आपके पॉलिटिकल लीडर नहीं है, आपके आर्मी नहीं है, आपके साथ दोस्ती करने का तरीका है आपकी स्कूल की किताबों में चेंजेस लाई जाए, आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी और हिस्ट्री को चेंज किया जाए, और ये बताया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण तब होगा जब आप कुरान में से सारी पॉलिटिकल पावर निकाल के अपने लोगों को दे देंगे, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके रिलीजियस बुक से एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट बनेगा, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कोई वही डॉक्यूमेंट हो सकता है जो उस देश का सबसे बड़ा लॉ हो, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। भारत में यदि कुरान में और वेद में कोई कंट्राडिक्शन हो जाए
कि कुरान का अरे वैदिक प्रोविजन को लागू करना है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन को लागू करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन प्रिवेल करेगा वैदिक प्रोविजन पे। जब तक आपके यहाँ पे ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण आप नहीं करेंगे और आप ये कहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कुरान और होली कुरान और सुन्ना है, तब तक आप पॉलिटिकल पावर का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तब तक आपके लोग आपके पॉलिटिकल पावर लीडर्स को सिर्फ और सिर्फ गालियां देंगे और उनको तुच्छ समझेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि उनके उनके डे टू डे राइट का डे टू डे प्रॉब्लम का सलूशन किसी पॉलिटिशियंस के पास नहीं है बल्कि किसी मौलाना और मुफ्ती के पास है। वहां उसको ज्यादा रेमेडी मिल जाएगी, वो किसी पॉलिटिशियन के पास जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा। सो इसलिए आपके साथ हमारी दोस्ती का रास्ता किसी अमेरिका चाइना उससे नहीं जाता, क्योंकि जहन साजी आपको करनी है। दिस इज अ मैटर ऑफ मेकिंग ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। आपको ये बताना होगा अपने लोगों को कि आप मुगलों से प्रभावित हो, तो जरा आज के मुगल को देख लो, जरा उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, जरा कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। कजाकिस्तान कहते हैं कि हमारी नोमैडिक लैंड है, हम नोमैड लोग थे, हमने बाद में इस्लाम किया, हमारे यहाँ पे 70 या 80% लोग इस्लाम को मानते हैं, बट कजाकिस्तान इस्लामिक लैंड नहीं है, उज्बेकिस्तान इस्लामिक लैंड नहीं है। ये आपके लोगों को कहने में क्या दिक्कत है कि भाई हमारे यहाँ 90% 95% लोग इस्लाम को मानते हैं बट पाकिस्तान इस्लामिक लैंड नहीं है। ये जब तक नहीं कहेंगे तब तक आपके लोग हिंदुस्तान को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। वो चिढ़ेंगे कि यार ये गंदे लोग हैं, ये ऐसे काम करते हैं, ये मूर्ति पूजते हैं, ये ऐसा करते हैं, इनकी तो लाइफ ही खराब है। 90% लोग आपके यहाँ ये सोचते हैं। आप तो एक्सेप्शन है भाई, आपको तो हैट्स ऑफ है कि आप इतनी इवोल्व हो गई, इतना सोच पा रही हैं। मतलब हम लोग तो आपको सुनते हैं तो इतनी रिस्पेक्ट आती है कि क्या बोले आपको। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर वैसे ये है कि पाकिस्तान वो इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे इस्लाम हर वक्त खतरे में रहता है, हर बात के बाद कह दिया जाता है कि इस्लाम खतरे में है। लेकिन अब अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान को हम अगर साइड पे कर दें और हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, जिस तरह से आर्मी के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद इमरान खान को आपने देखा कि उन्होंने बात की, फिर उसके बाद उनकी पार्टी बिल्कुल खत्म होने के ऊपर आ गई है, तो ये सिचुएशन आपके ख्याल से क्यों बनी और क्या इसमें ज्यादा कोई फायदा होगा कि आर्मी को अगर साइडलाइन कर दिया जाएगा, जो कि हो नहीं पा रहा, लेकिन भारत इमरान खान ने कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान तो खुद भी आर्मी की ही प्रोडक्ट है और अब वो सिर्फ यही कह रहे थे कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, जो नहीं हुआ। लेकिन आपको लगता है कि कभी भी पाकिस्तान में ऐसा हो पाएगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके पास पूरी पावर हो और आर्मी सिर्फ जो उसका काम है कि बॉर्डर पे खड़े रहना या हिफाजत करना, क्या वो उधर तक कभी अपने आप को कर पाएगी? अर्जुन जी, डेमोक्रेसी जो आप जिसको डेमोक्रेसी कहती हैं, जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात कर रही हैं, वो वेस्ट में आने से पहले कुछ प्रोसीजर के थ्रू गुजरा। जैसे जब आप किसी को ना हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए ले जाते हैं तो कुछ सर्जरी के प्रोटोकॉल होते हैं, उसका ब्लड शुगर चेक किया जाता है, उसके बाकी पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं ताकि सर्जरी के बाद हीलिंग जो है वो नॉर्मल हो, वरना सर्जरी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। वेस्ट में जो आई, आप जिसको वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि इमैनुअल कांट ने प्रमोट करी, जिसको कि जॉन लॉक ने प्रमोट करी, जिसको कि और भी इस तरीके के रूसो ने प्रमोट करी, इस तरीके के कई ऑथर्स थे जिन्होंने लिखा। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने आरजू जी ये लिखा कि द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इज नॉट डिविनिटी, द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इज ऑलवेज पॉपुलैरिटी। लोग होते हैं, किसी भी राजनीतिक या सियासी पावर का सोर्स लोग होते हैं। आपके यहाँ पे ये लोगों को समझाना होगा पहली बात कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपके सियासी पावर का जो सोर्स है वो अल्लाह है। बाय द वे, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेम्बल पढ़ लीजिए। दूसरी चीज कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन लास्ट रिक्वायरमेंट है, उसके पहले वहां पे रूल ऑफ लॉ आता है। रूल ऑफ लॉ इज एन एंटीथीसिस ऑफ थियोक्रेटिक लॉ। थियोक्रेटिक लॉ को लॉ आप नहीं कहेंगे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ मैन मेड होता है। रूल ऑफ लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि उस जमीन पे रहने वाले मर्द औरत सब बराबर होंगे। उसमें ये नहीं होगा कि कोई बिलीवर है, कोई नॉन बिलीवर है, कोई औरत है, कोई मर्द है, सबके हकूक या जो अधिकार है वो समान होंगे। जब आप ये कर लेंगे, जब आप ये रूल ऑफ लॉ के लिए एब्सोल्यूट इक्वलिटी क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपका शुरुआत होगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की जर्नी। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कुरान है, तो कुरान में तो बिलीवर और नॉन बिलीवर सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना? उस सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ आ ही नहीं सकता।
इसलिए आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी कभी नहीं आएगी, क्योंकि जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, वो कोई एक नॉर्मल सी स्टैट्यूट बुक है जो कुरान की तफसीर कह लें उसको, और इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको पहले सेक्युलराइजेशन से गुजरना पड़ेगा। सेक्युलराइजेशन में आपके दर्शकों के लिए समझा देता हूं, सेक्युलराइजेशन का मतलब रिलीजियस न्यूट्रलिटी नहीं होता है। सेक्युलराइजेशन का मतलब होता है वह सोसाइटी जो किसी ये अब्राहमिक फेथ के लिए है, भारत में इसकी एप्लीकेशन नहीं है, जो भी अब्राहमिक सोसाइटी जब किसी बाइबल या कुरान जैसी किताब से गवर्न हो रही होती है, तो वहां पे क्या होता है कि दो पावर सेंटर होते हैं, एक राजा और एक वहां के जो पुजारी या मुफ्ती या वहां के पहले जो प्रीस्ट होते थे क्रिश्चियन सोसाइटी में, उनसे पॉलिटिकल पावर ले ली जाती है। पॉलिटिकल पावर का मतलब लॉ मेकिंग पावर। उसमें से लॉ मेकिंग पावर जब निकल जाती है तो ये लॉ मेकिंग पावर निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की शुरुआत। यहां से ये जब लॉ निकल गया पॉलिटिकल पावर का, ये फिर दे दिया जाता है उस देश के चुने हुए नुमाइंदों को कि अब वो पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करें। पॉलिटिकल पावर का मतलब होता है पावर टू मेक लॉ, पावर टू इन्फोर्स लॉ एंड पावर टू क्रिएट जुडिशियरी टू डिस्प्यूट टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। आपके यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। आप कुरान में से जब तक आप होली कुरान बहुत अच्छी किताब है, उसका कोई हमें ना आप कर रही बुराई ना मैं उसकी कमियां निकालो, मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी तभी होगी जब आप कुरान में से पॉलिटिकल पावर निकाल के अलग करेंगी, जैसे इंडिया ने वेद में से पॉलिटिकल पावर निकाल करके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर दिया है। आज हमारी डेट में पॉलिटिकल पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ सुप्रीम है। उस लॉ को जैसे हमारे यहाँ देखे, हिंदुओं में कभी भी डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, हिंदू में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट ने 1956 में हिंदू कोड बिल लाया और डिवोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया। उनके रिलीजियस राइट में वो हजारों साल से जो लॉ था कि हिंदू के घर में एक बार शादी हो जाती थी तो अर्थी आती थी, अरे दुल्हन क्या वो क्या डोली आती थी और अर्थी जाती थी, अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब दुल्हन आ रही है, 2-3 महीने बाद ही निकल जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कि कहां गई वो दुल्हन। सिचुएशन ये हो गई है डिवोर्स की वजह से। तो हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया ना, ये कैसे, अगर मान लीजिए ये होता कि कोई हिंदू ये कह देता कि ये जो हिंदू कोड बिल है हम इसको नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे सदियों से हमारा जो लॉ रहा है कि हमारी यहाँ शादी जो है वो जन्म जन्मांतर का बंधन है, वो 7 जन्मों तक चलती है, हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि डिवोर्स तो हमारे यहाँ था ही नहीं, ये तो 1956 में तो हमको लेके आके दे रहे हो। लेकिन यही हुआ कि जो आपका वैदिक लॉ भी था या जो 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 आपका रिलीजियस लॉ था सदियों पुराना, उसको भी पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया। वो कॉन्फ्लिक्ट में आया, डिवोर्स पार्लियामेंट्री लॉ देता है और आपका वैदिक लॉ बताता है कि डिवोर्स हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, वैदिक लॉ कह रहा था डिवोर्स नहीं हो सकता, पार्लियामेंट्री लॉ ने कहा डिवोर्स हो सकता है, पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल कर गया। जब तक ये डेमोक्रेसी नहीं आएगी आपके यहाँ, जब तक पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होगा, इस तरीके से कभी आर्मी से लड़ाई होगी, कभी सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई होगी, क्योंकि लोगों का भरोसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे है ही नहीं। उनको खुद बता दिया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मत मानो, तुम्हारा मेन डॉक्यूमेंट तो कुरान है, तो वो लोग आलिम मुफ्ती को और उनको ज्यादा वजन देते हैं पॉलिटिशियंस के ज्यादा, और पॉलिटिशियन भी उन्हीं के पास जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि यहां से हमें वोट बैंक, यहां से हमें वोट मिलेगा। सो योर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रॉब्लम। आपको पहले सोशल रिफॉर्म के थ्रू गुजरना है, पॉलिटिकल रिफॉर्म अभी आप भूल जाइए। जब तक सोशल रिफॉर्म नहीं आएगा जो यूरोप ने किया है, जब तक आपके यहाँ पे कोई इमैनुअल कांट नहीं पैदा होगा, जॉन लॉक नहीं पैदा होगा, तब तक आप क्या, ये लड़ाई कभी सुप्रीम कोर्ट की होगी, कभी हाई कोर्ट, कभी आर्मी से होगी, कभी पॉलिटिशियन से होगी, कभी किसी से होगी, ये चलती रहेगी खाना जंगी, बिकॉज नो वन नोज हु इज सुप्रीम। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आपने जैसे बात की, आपके यहाँ तो खैर वो ट्रिपल तलाक वाला भी एक इशू आया था जिसको के गवर्नमेंट ने फिर हैंडल किया, लेकिन आपके यहाँ वो जो 7 जन्म वाला है, मेरे एक दोस्त हैं इंडिया से, उनको अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा रहता है, तो मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा दुआ करो तुम्हारा 7वां जन्म हो, अगर कहीं पहला हुआ तो आगे 6 जन्म और यही मिलने वाली है, तो वो मैं कह रही थी उस चीज को भी। लेकिन इस्लाम में सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि किसी भी चीज को ये जो है चेंज करने के लिए या मॉडर्नाइज करने के लिए उसको तैयार नहीं होते, और अगर कोई ऐसा कोशिश करे तो और उस बेचारे को लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये चीज, अगर जैसे आपके यहाँ बहुत सी चीजें, पहले सती की रस्म थी वो खत्म हुई, और कई चीजें ऐसी हैं जो होती हैं, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ ये क्या इन्होंने बना के रखा है कि बिल्कुल किसी चीज को भी जो है वो चेंज करने का अगर नाम भी लिया जाए तो शुरू हो जाते हैं, सारे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फिर सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि
पब्लिक क्या सोचती है, जो आपकी आम पब्लिक है, क्या उसके उन वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात ना की जाए? हमारे यहाँ खैर ऐसा नहीं है कि सब लोग यही चाहते हैं कि भारत से बात ना हो या भारत के लिए नफरत है। डिफरेंट लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन फिर भी 50% लोग जो हैं अब तो तारीफ करना शुरू हो गए इंडियन गवर्नमेंट की, जब से उन्होंने देखा है कि जिस तरह से इस वक्त जो आपकी गवर्नमेंट मौजूद है उसमें खैर पूरी टीम का रोल होता है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता, लेकिन बहरहाल इनको नाम क्योंकि दो चार लोगों के ही आते हैं तो वो फिर मोदी जी को सारा क्रेडिट चला जाता है, उनकी टीम का नाम जो है वो इतना ज्यादा लोगों को नहीं आता। मगर फिर भी तारीफ हो रही है, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को जो है वो अच्छा किया, स्ट्रॉन्ग किया है, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हुई है। हमारा तो अभी भी हाल है कि अगर आर्मी चीफ लगाना होता है तो अमेरिका से जाके पूछते हैं कि जी इनमें से किसको बनाना है, ये एक ओपन सीक्रेट है पाकिस्तान का। तो आपके ख्याल से जो हिंदुस्तान में पब्लिक है वो क्या सोचती है? देखिए, पब्लिक की दो सोच है। जो हिंदुस्तान की पब्लिक है वो सारी दुनिया को अपना घर मानती है, इसीलिए दुनिया में नहीं। देखिए, आप जब आप कह रही ना कि कुरान में कुछ चीज चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप जो बिहेव करती हैं आपका मॉरल कंपस वहीं से आता है, आप इंसान का जहन वहीं से बनाती है। भारत का मॉरल कंपस, भारत का आदमी कभी टू नेशन थ्योरी में विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि भारत का जो आदमी है वो तो ये कहता है कि मेरा तेरा करने वाले छोटे लोग होते हैं, जो बड़े हृदय के लोग होते हैं वो समस्त दुनिया को अपना घर मानते हैं। तो हमारे घर में कोई कौन धर्म मान रहा है, कौन क्या रिलीजन मान रहा है, कौन भगवान को मान रहा है, कौन अल्लाह को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, कौन अतीस्ट है, इससे लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि सब हमारे हैं, कोई हमारे से बाहर नहीं है। तो उस फिलॉसफी से तो लोग पाकिस्तान को अपना समझते हैं। मैं वसीम अकरम का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, उनके जैसा स्विंग बॉलर आज तक आया ही नहीं, और ये हम फैन हम इसलिए नहीं कर भाई वो मुसलमान है। इसलिए पॉइंट ये हो जा रहा है कि लेकिन जो आज भारत का पिछले 500 साल से, आई एम सॉरी टू से, बट मैं इसको अनइक्विवोकली कहूंगा कि भारत में आकर के इस्लाम जब से आया, भारत को बहुत सी चोटें मिली हैं, बहुत सी चोटें मिली हैं। हमें मारा गया, काटा गया, हमारी बिलीफ सिस्टम को, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, और फिर हमारी स्कूल की किताबों में उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, उनके रूलर्स को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, परसेक्यूटेड कम्युनिटी को उन्होंने मेजोरिटेरियन वो बता दिया कि ये मेजोरिटेरियन वो है, एक तरीके का डेमोक्रेसी टायरनी है। तो ये जो कम्युनिटी है ना भारत, उसने देखिए भारत की एक खास बात जानिए कि अगर लोग ये कहते हैं कि इस्लाम से ये इसलिए नाराज हैं क्योंकि इस्लाम जो कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो कहने वाले तो यहूदी थे। यहूदी को जब सब ने मारा, यहूदी को उन लोगों ने मारा जो लोग ये मानते थे कि भाई एक गॉड है और मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ये बताने वाले भी यहूदी थे, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन किया इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के मानने वाले लोगों ने, यानी क्रिश्चियंस ने और जूज ने। यहूदियों को किसी ने यदि संरक्षण दिया, जबकि यहूदी हमारी लाइफस्टाइल को कहते थे ये तो पेगन है, ये तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, ये बहु ईश्वरवाद में मानने वाले हैं जिसे आप पॉलीथीस्ट कहती हैं, ये लोग गलत हैं। उन्होंने यहूदियों को संरक्षण दिया, एक यहूदी को नहीं माना डिस्पाइट कि वो हमारी जीवन शैली को गलत बताते थे। ये है भारत। भारत को मुसलमान से या इस्लाम से उतनी प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में, क्योंकि अरेबिया का इस्लाम तो अबू धाबी में मंदिर खोल रहा है। हिंदुस्तान की समस्या ये है कि ये जो हिंदुस्तान के जो बेचारे मुस्लिम हैं, उनको हिंदुस्तानी मुस्लिम होने का मतलब सिखाया गया है कि तुम एंटी हिंदू हो, जो हिंदू कहता है वो तुम मत करो। अच्छा, मैं ये बताऊं कि मैं जब ना दुनिया घूमने का मुझे मौका मिला, मैं बहुत कुछ सीखा, मैं तुर्क में गया, मैं कजाकिस्तान गया, मैं टर्की गया, मैं पैलेस्टाइन गया, इसराइल गया, मैंने ये कहीं नहीं देखा है जो मैंने हिंदुस्तान में देखा है। मैंने कभी किसी सेंट्रल एशियन को ये कहते नहीं सुना कि हमारे पूर्वज घटिया लोग थे या वो तो क्या नाम है वो तो नोमैड थे तो हम लोग उनको पसंद नहीं करते। तो वो अपनी हिस्ट्री, हजारों साल की हिस्ट्री बताते हैं। मुझे लेकर के वहां की लड़कियां जाती थी, ये देखो ये यूल्ट करके होता है उनका तंबू होता है, जो वो तंबू लेकर के हर जगह जाया करते, तो चूंकि नोमैड लोग थे वो दिखाती थी प्राउडली कि हम लोग इसकी पूजा करते थे, ये उन्होंने मूर्तियां लगाई हुई हैं पूरे शहर के बीचों बीच में अपने पुराने इतिहासकारों की। वो अपने हिस्ट्री को प्यार करती हैं, वो प्राउडली कहती हैं आई एम नोमैड। इट्स सेम लाइक कि एक हिंदू, एक पाकिस्तानी ये कहे कि आई वाज हिंदू बेसिकली, लेकिन वो पता नहीं क्यों कहता है कि वो गाय का सुसु पीने वाले लोग हैं, बेकार लोग हैं, उनको गाय के सुसु में ही अटकी पड़ी है, वो हिंदुस्तान की बाकी चीजें देख नहीं रहे कि जीरो हिंदुस्तान ने दिया, आयुर्वेदा हिंदुस्तान ने दिया, योग हिंदुस्तान ने दिया, दशमलव हिंदुस्तान ने दिया, न्यूमेरल हिंदुस्तान ने दिया, लोगों को ये प्लानिटरी मूवमेंट को शुरुआत बताने वाला हिंदुस्तान था, प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत करने वाला हिंदुस्तान था, इतनी चीजें हिंदुस्तान के लोगों ने दी, फिलोसफी दी हिंदुस्तान ने, उपनिषद की फिलोसफी को मानने वाले तो बड़े 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 साइंटिस्ट थे। मेरे अपने प्रोफेसर की मैं बात बताऊं, मैंने जर्मनी से पीएचडी की और वो फिलोसोफर आदमी थे, काफी प्रोमिनेंट है, नाम नहीं लेना मैं उनका,
उन्होंने कहा था अभिषेक कि इंडिया से हमने फिलोसफी सीखी है, जर्मन आर क्रेजी अबाउट इंडियन फिलोसफी, यूरोप इज क्रेजी अबाउट इंडियन फिलोसफी, ये हमारे लोग हैं खुद के। अब आप हम अपने भाई से कैसे लड़ लेंगे बताइए, हम अरबों से लड़ लेंगे, तुर्कों से लड़ लेंगे, पर मेरा ही भाई कल को कन्वर्ट होके कहे कि मेरा घर तोड़ दो तो हम क्या कहेंगे, सिवाय इसके कि ले जाओ भैया हक है तुम्हारा, बाहर वालों को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे एक बड़े मशहूर ऑथर थे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, उन्होंने एक बार लिखा कि उनके कोई अरब मिला, उनको किसी अरब कंट्री का कोई मिला, तो उसने कहा भाई कलमा तो हमने भी पढ़ा है लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल ही बावले हो गए पढ़ने के बाद। तो वो उनकी जो बात थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी। बल्कि अभी मैं कल ही किसी अपने दोस्त से बात कर रही थी और मैंने कहा कि अभी तक तो मेरे पेरेंट्स को बुरा भला ट्विटर पे और सोशल मीडिया यहाँ वहाँ पढ़ती थी, मैंने कहा वो मेरी ट्वीट जो थी वो बाट लगा दी दादाजी के बाद, मैंने कहा मेरे दादाजी को भी अब लोग बुरा भला कह रहे, तो मैंने कहा मेरे फादर के साथ वो बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी बेटी ने तो मुझे भी गालियां पढ़वा दी, तो वो अब उनको उनकी भी सही खातिर हो रही होती है, लोग पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं। लेकिन ये शायद हम लोगों का माइंडसेट ऐसा है, हम किसी दूसरे की बात को ना सुनना चाहते हैं और ना हमारे अंदर टॉलरेंस रह गया है कि उसको बर्दाश्त कर सके, जो कि होना चाहिए। और जब तक ये टॉलरेंस नहीं आएगी जब तक हम इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे जो अभी कर रहे हैं कि एक दूसरे के रिलीजन के ऊपर बात करना, एक दूसरे की हर चीज के ऊपर एतराज करना, तो वो खासतौर पर पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया अभिषेक कि आज आपने ज्वाइन किया, आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आजू, थैंक यू, थैंक यू सर। चलो जी वीडियो खत्म हो गया भाई, अभिषेक भाई तो बड़े ही नॉलेज वाले बंदे थे और बड़े ही अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, कि एक ये ना इस तरह के लोग होते हैं जो आगे बढ़ने वाले होते हैं, तरक्की करने वाले, ऐसी सोच हो तो भाई साहब लोग तरक्की करेंगे। आज देख रहे हैं हिंदुस्तान की क्या है, वो इसीलिए कि भाई वहाँ पर ऐसे लोग हैं पॉजिटिव माइंड, यहाँ पे क्या है कट्टरपंथी होगी, यहाँ पर भी कट्टरपंथी है, यहाँ पे भाई साहब वो ना रिलीजन जो है वो इंडिया के अंदर भी तो कट्टरपंथी है भाई साहब, अपने मजहब को लेकर शेख सर जो है ना पढ़े लिखे हैं समझते पूरी दुनिया ने भूमि, वो जो कट्टरपंथी वाले हैं भाई साहब वो धकेलेंगे भी नीचे, वो यही बात है, इधर भी है उधर भी है कम नहीं है, वो धकेलेंगे कुछ देर फायदा होगा, लेकिन अगर उस चीज को एक इसका भी तुझे तरीका बताता हूँ, वो भाई कहते हैं ना कि भाई हम हिंदू हैं, उस चीज पे बहुत प्राउड करते हैं, हमने हिंदू हैं और हमारा ये जो कंट्री है ये हमारा है, हमने इसको आगे लेकर जाना है, उसके लिए वो क्या करते हैं कुर्बानियां देते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो सारा कुछ उस कंट्री के लिए करते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमे की ताकत हमारे में जज्बा है, हम कंट्री के लिए, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है असल में, हमने जब से कुरान शरीफ को छोड़ दिया है उस वजह से हमके ऊपर लानते हो रही, हमारा सत्यानाश हुआ सिर्फ कुरान को छोड़ने की वजह से, कुरान को छोड़ने की उसकी वजह ये कि भाई हमारे कौन फॉलो कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूट के अंदर है कुरान को कितना फॉलो करते हैं, क्या करते हैं कुछ भी नहीं करते, धक्के खा रहे हैं। तो अबे शेख सर कह रहे थे जमहूरियत उस वक्त है कि जब आप कुरान को उसे लॉ से अलहदा करेंगे, पहले कौन था कुरान को लॉ के साथ अटैच किया होगा, नहीं वो पहले से ही अलग किया भाई, ये बात तो सच है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बिल्कुल है लेकिन इस्लाम के रूल्स यहाँ ना बनाए गए हैं ना कोई फॉलो करते हैं, लेकिन उसकी वजह से खराबियां होती हैं। कैसे खराबी होती है भाई, पाकिस्तान का अपना कानून है और पाकिस्तान का उदारा कानून है, चोरी करने वाले का हाथ काट देना कुरान शरीफ के अंदर कभी काटा है, मतलब साहब ये तो वही बात कर रहे हैं ना कि ये गुरु का दिया हुआ कानून है, हमें आज तक वही चल रहा है, कुरान शरीफ को अटैच कर रहे हैं सर, मुकम्मल तौर पर थोड़ा थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी नहीं, लेकिन उसकी वजह से खराबियां होती हैं। नहीं कुरान में लिखा है, एक मिनट कुरान शरीफ के अंदर खराब, एक मिनट कुरान की वजह से खराबियां, एक मिनट फॉलो करने वालों की वजह से हमारी जो सत्यानाश हुई है या हमारी जो गुडविल, कुरान में लिखा है कि तुम किसी गैर मजहब को अपना लीडर नहीं बनाओगे, वो चुनाव आपके मुल्क में चुनाव नहीं लड़ेगा, कुरान में लिखा है भाई, ये कानून किसने बनाया, ये कानून किसने बनाया, कुरान शरीफ का अगर हमारे लॉ के साथ अटैच करना तो भाई साहब सवालों को जवाब देने पड़ेगा, अटैच मैं नहीं कर रहा, मैं इसलिए सर को भी देखना चाहिए ना कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, कुरान का शरीया ना हमारा इंडिया के अंदर फिर भी वो है हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है, कुरान शरीफ वाला अपनी मर्जी से बना रहे, क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ क्या है
इस्लाम को बहुत ही टॉप पे, धर्म को हम टॉप पे रखते, सिर्फ टच देते हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए। मैं तो पाकिस्तानी मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानता भाई साहब, पूरी क्योंकि हमारा काम तो है ही नहीं वो कुरान शरीफ वाला। बात तो सुन ले, मुसलमान वाली बात तो सुन ले भाई। नहीं, ये मैं मुसलमान ही नहीं इनको समझूं। अच्छा मेरी एक बात सुन ले, वो जी फ्रांस में पुतला बना, कितने लोगों की जाने गई पाकिस्तान में? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून, हमारे इदारे, सारा कुछ वो बात नहीं कर सकते, उन्होंने की भी थी ना कि नहीं? लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा था उसकी वजह से धरने दिए जा रहे हैं। धरना क्या बियर किया मौलवी, उस मौलवी को साथ लीजिए, ये तो खराबी है। क्या वो किया, क्या कुछ नहीं किया, कितने लोगों की जाने गई? वो कुरान शरीफ पे बोला था, कानून होता कुरान शरीफ पे भाई साहब। लेकिन वो लेकर तो उसी को चल रहे थे, कानून तो फिर कानून था। हाँ। उसको लेकर नहीं चल रहे थे भाई साहब, इस्लामिक एक यार बात तो करने दे, इस्लामिक टच देकर अपना वोट बैंक इकट्ठा कर रहे थे और कुछ भी, और कुछ 25-30 लोगों की जाने के इस्लाम के नाम पर लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस्लाम का करना कुछ नहीं है। हमारे मौलवी हजरात कितने सियासत के अंदर, कभी उनको दीन का कुछ पता ही नहीं है, ऐसी बात पता है उनको, दीन ऐसे चलता है। अब पीछे से और पार्टियां उठ रही इस्लाम को लेकर, सिर्फ फायदा इस्लाम से उठा रहे हैं। इस्लाम का फायदा पूरी दुनिया को या पाकिस्तान मुसलमानों का फायदा नहीं दे रहे सिर्फ। तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान बेनजीर के वक्त मौला में कहा है, वो बेनजीर के वक्त में कहा करते थे कि औरतें जो है वो सत्ता में नहीं आ सकती, फतवे दिए थे। और अब मरियम नवाज के चलते हैं, ये इमरान खान के खिलाफ था, अब इसको पैसे मिल गए, सपोर्ट मिल गई है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की, अब चुप बैठा है। पहले इमरान खान के अंदर दौर के अंदर दो रुपए पेट्रोल बढ़ता था ना, तो सड़कों पर आ जाता था। कितनी महंगाई कहां से कहां पहुंच चुकी है, किस नाम का इनको दर्द है महसूस होता है। अच्छा सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल कुरान शरीफ को कर रहे हैं, इस्लामिक टच को कर रहे हैं। तो यही तो वो मैं तो मानती नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये पाकिस्तान मुसलमान है, यही बोल रहा था भाई साहब, ये जब तक टच खत्म नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। टच किसने खत्म करना, क्योंकि आवाम नहीं करना, रूल बनाए, रूल बना हुआ भी है, लेकिन रूल को फॉलो करना किसने, करवाना किसने? वो जो मौलवी के पीछे लगते हैं, इसको साइड पर का जिसको लगते हैं, वो जो मौलवी के पीछे लगे थे तुम्हारे जैसे लोग लगे थे, मैं हमारे जैसे आज कोई एक मौलवी इस तरह बात खड़ा कर दे बस सारे ही पीछे लग जाते हैं, चाहे वो गलतों को अलग नहीं पता। भाई साहब उन्होंने इनको बनाया, वो भगोड़े इनके अंदर उन्होंने तालीम तो लेकर आनी नहीं है। अच्छा वो जी कहता है चाहे उन्होंने पैदा हुए चाहे लोग ऊपर हुक्मरानी करना आसान है, पढ़े लिखे के ऊपर हुक्मरानी करना बहुत मुश्किल है, वो सब कुछ वो जानता है। उन्होंने भाई साहब को एजुकेशन का लेकर आनी, क्या नाम था उनका, उनको पता ना चल जाए, क्या नाम था, साद रिज़वी साहब, वो कह रहे थे कि भाई कर्जा उतारने का तरीका उतार दे। नहीं, उनके वालिद थे वो, उनके वालिद भी, उनके वालिद जो मैंने टैक्स नहीं देना, हम सूद हमारे ऊपर हराम, तो भाई सूद हमारे यहाँ हराम है इस्लाम के अंदर, 20% फिर भी 26-27% बैंक ले रहे हैं। सारा सूदी निजाम है, सऊदी अरब नहीं लेता सूद तुमसे, मैं बोल रहा हूँ यार हमारे मुल्क में जो कानून बनाया गया है वो कुरान के मुताबिक नहीं है। सिर्फ हमने बोला इस्लाम ने मना किया है, लोगों को लूटना हमने है, गीबत हमने लोगों की, हमारे इस्लाम के हुक्मरान ऐसे हुक्मरान थे, क्या इन हुक्मरानों को तशबीह दी जा सकती है उन हुक्मरानों से? सवाल ही नहीं पैदा। 57 कंट्री है पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, उनको फॉलो करने का तरीका देख लो, हमारा कुछ अलग से ही है, पाकिस्तान मुसलमान को अलग से बन चुके हैं। नारा हमने इस्लाम में, इस्लाम को हमने बचाना है, वो भी यही वो बात कर रहे थे कि भाई दूसरी दुनिया के मुसलमान अलग है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान अलग है। इस बात को वो जो एक राइटर थे जिन्होंने लिखा था भाई साहब कलमा तो हमने भी पढ़ा है, आपने अलग से कलमा पढ़ा है, आपका जोश अलग से ही है, तो बात ये भाई दहशतगर्द ये लोग हैं, बात अब ये इस्लाम को तो बदनाम करने वाले हैं ये। अब सर चिढ़ रहे थे ना मुसलमानों से, मुसलमान जब से आए इस खित्ते के अंदर उस वक्त से हमें मारे जा रहा है, इनसे पहले यहूदी ज्यादा, यहूदी अब भी ज्यादा है, दूसरे ईसाई ईसाई उनसे तो उनसे ये कन्वर्ट हुए, फिर हिंदू हिंदू पहले से होते तो फिर ईसाइयों से ज्यादा होते
है तो बाकी मुसलमानों से भी तो यार ये पुराने हैं भाई साहब, चलो यार कितने भी पुराने, लेकिन इनकी मेजोरिटी तो होनी चाहिए थी ना पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये तबलीग नहीं करते, माइंड से सोचने वाली बात है या नहीं? अगर ये पहले से होते तो कन्वर्ट कितने हुए भाई साहब? पहले से है, क्यों नहीं तुम? ईसाइयों से तो ज्यादा होने थे ना फिर? नहीं, लेकिन मेजोरिटी में आज भी वर्ल्ड के अंदर ईसाई है, उसके बाद मुसलमान है। तो कन्वर्ट हुए हैं भाई? तो क्या हिंदू सारे कन्वर्ट होकर पहले ईसाई बन गए थे, उसके बाद ये जो 25 करोड़ पाकिस्तान में बैठा है ये कैसे आ गए? कन्वर्ट ही है फिर तो, ये हिंदू ही थे तो क्या बोल, इतने कन्वर्ट होकर ईसाई हुए हैं? अच्छा हाँ, ये आप बोल सकते हो, पर इतने ज्यादा कन्वर्ट हो चुके हैं यार। उनका मजहब बहुत पुराना है, मजहब बहुत ही माना है पुराना भाई साहब, कौन सा इनकार कर रहे हैं? बहुत पुराना है, लेकिन मेरा नहीं मानना भी इतनी पुराना है। अगर इतनी ज्यादा पुराना तो ईसाइयों से तो इतनी पता जाता है, नहीं तो कौन सा तरह का कांसेप्ट है ना? हो सकता है गलत फैल गया भाई साहब, उन लोगों ने फैलाया अपने धर्म को, इन्होंने किसी को भाई साहब नहीं किया। किन्होंने? हिंदुओं तो कर ले भाई साहब, अभी कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो हो रहे हैं। तो भाई बात ये है कि भाई जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो खास करके हिंदू हैं, उनकी अगर मुसलमानों से नफरत है तो वो भाई साहब उसके पीछे की बड़ी रीजन है। वो इसलिए कि जो इन्वेडर आए थे, जो मुगल जो भी आए थे, जो मुसलमान थे, उन लोगों ने भाई साहब बड़ा बड़ा जुल्म किया, मंदिर तोड़े, इज्जतें लूटी, सारा कुछ किया, कन्वर्ट किए, तलवार के दौर पर भी हुए और कुछ सूफिया कराम की वजह से भी हुए, सारे तलवार की वजह से कन्वर्ट नहीं हुए। और भाई साहब उसकी मिसाल आए कि मुसलमानों की मेजोरिटी बढ़ रही है ना, तलवार के जोर से हो रही है, गन पॉइंट के जोर से भाई साहब मान कर रहे हैं, हमारे तस्लीम कर रहे हैं, खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं, बकायदा वीडियो भी है। लेकिन उस वक्त जो हुआ उसको छोड़ दे, आज भी देख लो मुसलमानों की तादाद बढ़ नहीं रही, बढ़ रही है, गोरे लोग कर रहे हैं, सिर्फ नफरत की वजह बता रहा है। तो भाई साहब वजह यही है कि भाई अब को तुम्हारे आगे मस्जिद तोड़े तो तुम उसको दुआएं देगे, उसको तुम अच्छा कहो, नस्लों तक हमारे नस्लों तक उसकी उसके लिए नफरत रहेगी। तो भाई साहब वो नफरत वही है, और ऊपर से मेन और एक और नफरत की वजह बताता हूँ। तो फिर उनको भी तो नफरत है ना मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं को, ये भी तो चेक भाई साहब, अभी पूरी बात सुन लेना, पूरी बात सुनेगा तो क्लियर होगी, पूरी बात, मुसलमानों को नफरत है ना उनके खिलाफ। अच्छा मैं गाय का तेरे को छोटी सी पूजा करने से उसकी वजह से उनके खिलाफ। अच्छा तेरे को छोटी सी छोटी, हम पहले जो हमारे इन्वेटर थे मुसलमानों ने उनकी मूर्तियों को तोड़ा, वो भी तो हमारे खिलाफ है, नफरत तो उनके अंदर भी है। एक छोटी सी मिसाल दे, अच्छा एक बात सुन ले, छोटी सी मिसाल सुन ले, चार भाई हो तुम लोग, आता है कोई ऊपर से कोई इन्वेडर आता है और तुमको भाई साहब तुम्हारी कोई तुम्हारी लड़कियों की इज्जत लूट लेता है, दो भाइयों को कन्वर्ट कर देता है, वो मुस्लिम हो जाते हैं और जो दूसरे वो हिंदू रहते हैं दो भाई। अब जो हिंदू है उसको तो भाई पता है कि भाई हमारी इज्जत लूटी थी इस बंदे ने, इन मुसलमानों ने लूटी थी, और तुम जो है जो दो भाई मुसलमान हो वो उनको हीरो बोलोगे कि ये हमारे हीरो हैं, जो हमारी बहनों की इज्जतें लूटता, माओ बहनों की इज्जत लूटता है। पहले बोलते थे जब हमें पढ़ाया जाता था, लेकिन आज पता चल चुका है भाई साहब हमें लूटने आए थे, हमारी इज्जतों को लूटने वाले तो फिर मान नहीं रहा है, तो दीन भी तो मैं ही भरूं, मैं मिन्नत ही भाई। अच्छा एक और भी बात, और दीन उससे पहले कभी आया है यूसुफ भाई? यार आया है, सारा हो गया, सारा इन्वेटरों से पहले दीन है, बिल्कुल आया, मानते हैं मानते हैं। अब मेन जो नफरत की वजह ये है कि भाई वो इज्जत लूटने वालों को तुम जो दो भाई उनको हीरो बोल रहे हो, वो नफरत की मेन वजह है। मैं मान हमारा रहा हूं वो भी नफरत करते हैं पर मुसलमानों ने हमारी इज्जतें लूटी, उन्होंने हमारा माल लूटा, उसको आप लोग हीरो बोल रहे हो और वो तो भाई उनको विलन ही बोलेंगे, नफरत की ये भी एक बड़ी वजह है। मैं इस वजह से बोल रहा हूं दोनों तरफ से नफरत है भाई साहब, एक तरफ से मत देखो, अगर वो अपनी इज्जतों को देकर अपने लूटपाट को देकर भाई साहब उनको वो नफरत रखते हैं, लेकिन ये भी तो रखते हैं ये गांव मूत्र पीते जो मूर्ति पूजा करने, ये भी रखते हैं, दोनों रखते हैं, मैं कौन सा नहीं मान रहा, ये वो नफरत जायज है। लेकिन जमाना बदल चुका है, लोग उस हाँ, बदलना चाहिए, उठ चुके हैं पाकिस्तान में तालीम की कमी, असल में जो भी मजहब है ना वो इंसानियत के लिए अच्छाई के लिए, लेकिन हमने बंटवारा कर दिया, ये तल्लुकात कब के बेहतरीन हो जाने थे, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये हमारे मौलवियों के भी बड़ा हाथ है, हमारे मौलवी उनके पीछे किनका हाथ है, वो मेन एस्टेब्लिशमेंट की है।
सत्ता का लालच है भाई साहब। मैं तो पाकिस्तानी मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानता यार, मानने या ना मानने से मतलब भी नहीं है मुसलमानों वाले। ऊपर से बदनाम किया हमने इस्लाम को, क्या कुछ किया तो भाई बाजे इस्लाम हमारा जब करतार की वजह से फैला था, नबी पर हमारे जब पैगंबर है ना, फिर उसके करतार की वजह से इस्लाम आज इस्लाम किस वजह से बदनाम है? पाकिस्तानी मुसलमानों के करतार की वजह से बदनाम, हालांकि और भी मुसलमान है। तो भाई सच्चाई है भाई इसमें तो वो भी यही बोल रहे थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान ही दुनिया में अलग है, ये बात है। तो वो यही हो रहा है, तुमने वो सही बात की उन्होंने भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक टच दिया जाता है। सिर्फ टच दिया जाता है, इस्लामिक तालीम नहीं दी जाती। असल में इस्लामिक तालीम है क्या? अगर उसको फॉलो करने लग गया तो भाई साहब ये जो है जो भी विवाद चल रहा वो हो ही ना भाई। भाई बिशक भाई हमारे रूह के अंदर हमारे ला के अंदर इस्लाम है ही नहीं। अच्छा भाई तू बोल ले, मेरी चुप है भाई, बोल ले, बात तो कर लेने दिया कर, मैं बात करने लगता हूँ बीच में फिर टोक देता है। एक बात तू क्लियर कर ले, अच्छे से क्लियर कर ले, फिर मैं बोल लूंगा, पूरी बात करने ही नहीं देता भाई साहब। बात यह हमारे यहाँ जो है ना इस्लामिक टच दिया जाता है, जरूर दिया जाता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज्यादा वो इस्लाम का नहीं है। वो इसलिए कि भाई साहब जो तलाक का मसला है वो वैसे तो जो जुदाद का मसला वो तो भाई इस्लामिक हिसाब से होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें कि अगर एक बंदा चोरी करता है तो इस्लाम में उसका चोरी वाले के हाथ काटे जाते हैं। बहुत सारी सजाएं, रेप की सजा भी मौत है वो नहीं दी जाती, कत्ल करने वाले की सजा मौत वो नहीं दी जाती, उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दे। बहुत सारी चीजों में फर्क डाला है, ऐसा नहीं कि वो पूरा जो सख्त वाला इस्लाम रूल लेकर वो चल रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चल रहे। यहाँ पे भाई साहब आए दिन कोई ना कोई अपनी मर्जी से चला रहे कानून को, सही तरीके से कोई ढंग से चला रहे, तब्दीलियां आ जाती। अब देख रहे हैं कि वो इस्लाम में तो ये था भाई, एक दफा जी एक चोरी की थी खतून ने, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उनको भाई साहब चोरी साबित थी, उन्होंने कोई काफी उनकी सिफारिश की, सिफारिश के लिए आए करीम सल्लम के बहुत करीबी सहाबा दोस्त थे, उनको लेकर आए फर्श बनाकर लेकर आए कि इनको छोड़ दो, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया और साथ में जो अल्फाज दोहराए थे वो भी कहा भाई अगर मेरी खुद की बेटी होती तो मैं उसके भी हाथ काटता अगर उसने चोरी की होती। तो ये पुरानी कौमें थी जो तबाह हो गई कि जो अमीर के साथ अलग रूल करती थी और गरीब के साथ अलग। हाँ। मेरा रूल सबके लिए एक है, बिल्कुल। उन्होंने भाई साहब सजा दी जो वो अलग बात है, वो पूरा हमने नहीं पढ़ा कि उनको सजा हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन सिफारिश के तौर पर भेजा गया, सिफारिश को मना कर दिया सब कुछ। तो यहाँ पे तो भाई साहब सिफारिशें सरेआम चलती हैं, तो ये इस्लामिक टच बिल्कुल ये वो नारेबाजी के लिए है, लेकिन जो है ना पूरा तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बाकी भाई नफरत जो है ना, ये पुराने जो मुगल आए थे उन लोगों ने तो जो कांड करने थे वो कर दिए, लेकिन आज का जो मुसलमान है उनको भी थोड़ा सा ना खुला दिल करना चाहिए कि भाई साहब उन लोगों ने हमारे जो बुजुर्ग थे, हम कन्वर्ट हुए लेकिन वो हमारे पूर्वज थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारी माए बहने थी, उनकी इज्जत लूटी इन्वेडर ने। अगर इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी की माँ बहन की इज्जत लूटो, वो इज्जत लूटने को हम हीरो। मैं दो तीन मौलवी और उलमा सुनता रहा तो उन्होंने भी खुलकर सामने ये बयान कर दिया, जो इन्वेडर थे उन्होंने वाकई हमारी इज्जतों को लूटा, हमें लूटा है। हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई जाती है, हमारे जैसे ये कर रखा है भाई साहब, वो गजनवी गौरी बाबर वो नाम भी कोस रहते हैं, नामों को भी भाई साहब यही तो कोस रहते हैं। असल में यही तो नफरत की मेन भाई वजह ही है कि जिन लोगों ने हमको लूटा, हमारे जो हिंदुस्तान में मुसलमान है जो पाकिस्तान में मुसलमान है उनको हीरो बोलते हैं, यही तो गलती है, नफरत की मेन जड़ ये भाई साहब। जो गलत है, जो विलन थे, जो गलत थे, जिन लोगों ने हमारी इज्जतें लूटी, हमारा माल लूटा, प्रजापति तारक भाई कह रहे इंडियन लोग जो है ना वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं सब कुछ, हमारे यहाँ नॉलेज बहुत कम है, इसी वजह से हमें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, क्योंकि हम हकीकत को जान लेंगे तो भाई साहब हमें हुक्मरानों को साइड पर कर देंगे। इस्लाम का कुछ ना कुछ अवेयरनेस इमरान खान ने डाली है अदारों को लेकर, एस्टेब्लिशमेंट में उसने फिर दबाव डाल दिया है, क्या कर सके, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है भाई, गुलाम है अगर कोई इंडियन मुस्लिम भी हमें सुन रहा हो तो भाई साहब थोड़ा सा आप भी सुधर जाएं, दिल थोड़ा सा बड़ा करें, जो इन्वेडर थे उनको हीरो मत बोलें, जो जिनको हम फॉलो करते हैं ना उनको लेकर चलें तो वही अच्छा है।
जी ठीक है। और जो अपने आप अपने दीन को सही से पढ़े, सही से फॉलो करो, ताकि आपके किरदार की वजह से आपके दीन का नाम बदनाम हो, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है। सही बात। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो क्योंकि भाई हम भी रोजदारी कमेंट पढ़ते हैं कि इस्लाम के खिलाफ जो है ना काफी भाई नफरत रखते हैं, कहते हैं इस्लाम की वजह से इंसानियत की बुराई हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा है। तो उसकी जो मेन वजह है भाई साहब वो नफरत की, वही वजह है। अगर आपके दिल में कोई हमारे लिए नफरत, भाई हमारे दिल में कोई हिंदुओं के लिए किसी के लिए कोई नफरत, हमारा दीन ही नहीं सिखाता। और भाई जी और बस हम तो यही कहेंगे कि भाई हम आपके धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे भी करो, बस यही ये रूल जो है ना सही है। बाकी ना हम आपकी खामियां निकालें ना आप हमारी निकालो, क्योंकि इससे बिलीफ जो है वो हर्ट होता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।